कव्वे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने घोंसलों की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और हमें दाना भी ज्यादा ढूंढना चाहिए ताकि हम बारिशों के मौसम के लिए बचा भी सकें। पिछले साल का याद है ना आपको, जब बारिशें शुरू हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, अब तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं कव्वे भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। सब पक्षी ही इन दिनों में ज्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सकें। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो, जब मेरा मन होगा मैं भी काम कर लूँगा। और अभी वैसे भी काफी दिन पड़े हैं बारिश का मौसम शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया। जैसे आपकी मर्जी, मैंने तो आपका भला ही चाहा था। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई, मेरा भला चाहने वाली। जब भी थोड़ा आराम करने लगता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने और मुझे भाषण देने। कालू कव्वा बहुत काम चोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांग कर और छीन कर खाने की, और जब दूसरे पक्षियों से मांग कर खाने की बारी होती तो इतना मजलूम बनता जैसे इस जैसा कोई दूसरा दुनिया में ना हो। इन दिनों सब पक्षी ही बहुत मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी ज्यादा ढूंढ रहे थे और साथ अपने घोंसलों को और ज्यादा मजबूत करने का काम भी कर रहे थे। रानो बहन, कालू आज फिर नहीं आया? नहीं तोते भैया, मैं गई थी उसे लेने, लेकिन उसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से आ गई। रानो चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके यहाँ जाने की? अगर वो अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी? तोते भैया, वो कौन सा इस बात की शर्म करेगा कि बारिश के दिनों में किसी के पास ना जाए दाना लेने। पिछली बार भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए गई थी, चलो वो भी हमारे साथ चला जाता और थोड़ा बहुत काम कर लेता। रानो चिड़िया, तुम भी इस बार उसे मुंह ना लगाना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कव्वे का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू को कहीं देखा है आपने? अभी तो वो घर पर ही था, अब निकल गया होगा कहीं आवारा गर्दी करने। अंकल जी, आप कालू को थोड़ा समझाएं, वो थोड़ा सा काम भी कर लिया करे। हर समय उसकी नज़र दूसरों के भोजन पर ही होती है। उसकी पत्नी भी उसे इसी वजह से छोड़कर चली गई। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन तंग भी वो हमें ही करता है। अब बारिशें शुरू होने वाली हैं और वो सारा दिन या तो सोता है या फिरने निकल जाता है, और जब बारिश आएगी तो हम सब के दरवाजे तोड़कर खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन से ऐसा कौन सा पाप हुआ था कि उसका बेटा ऐसा निकला, बिल्कुल बाप पर गया है। इसके बाप ने भी ऐसे ही मेरी बहन की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। आज मुझे मिल जाए एक बार, इसकी तो मैं क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कालू कव्वा घर आ गया हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। और कव्वे का मामा जी कालू के घर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया और तोता भी अपने अपने घर चले जाते हैं। मामा जी आप? और इस वक्त? क्यों, मैं आ नहीं सकता इस वक्त? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क्या? मेरा मतलब है आपने बहुत अच्छा किया। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। कव्वे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं, वो खाना कहाँ से देता। वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खा कर आया था। वो मामा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से सब पक्षी ही मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि रात को एक ऊंची उड़ान लेकर पूरे जंगल का जायजा ले लिया करूं। मेरी नज़र भी बहुत तेज है और मैं उड़ान भी सब पक्षियों से ज्यादा ऊंची लेता हूं। मैं बस अभी आया और आपके लिए भोजन भी लाया। अच्छा फिर जल्दी आना। और कव्वा वहां से सीधा रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया दीदी, वो एक काम था आपसे। चिड़िया तो उसे देखते ही सब बात समझ चुकी थी। क्या बात है? वो ना, मैं तुमसे कुछ कहने आया था कि कल मुझे भी अपने साथ ही ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरे भले की ही बात कर रही थी। अच्छा ले जाऊंगी, अब मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो मुझे कुछ और भी कहना था। और क्या कहना था? अगर आज थोड़ा सा दाना मिल जाता मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। असल में मेरे मामा जी अचानक से आ गए, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है।
अच्छा तो इसलिए पहले इतना मीठा बना हुआ था। और रानो चिड़िया कव्वे को थोड़ा दाना दे देती है। कालू भाई, ये मैंने तुम्हारे मामा जी के लिए दिया है, अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं फिर नहीं आऊंगा। और कव्वा जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो पीछे उसका मामा जी बैठा सब सुन रहा होता है। ले ली है उड़ान तुमने सारे जंगल की? जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो रानो चिड़िया ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। चले हम घर चलते हैं। और वो दोनों कव्वे के घर चले जाते हैं। कालू, अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी परवाह ना करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब करते हुए? मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और कितने झूठ बोलोगे तुम, अब चुप कर जाओ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने की बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं अब यहाँ एक मिनट और नहीं रह सकता। अगर तुमने खुद को ना बदला तो मैं अपना रिश्ता ही तुमसे खत्म कर लूंगा। और कव्वे का मामा जी वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी भी ना, आज ही आना था उसे भी। इतना मजा आ रहा था आराम करने में, सारा मजा ही खराब कर दिया। और कालू कव्वा बेफिक्र होकर सो जाता है। कव्वे भैया, जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं, लगता है आज शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो थोड़ा बहुत दाना तो हम ले ही आएंगे। एक तो जब भी मैं कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और रानो चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो रात को कितना अच्छा बना हुआ था और अब फिर वही हरकतें कर रहा है। कालू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया, कालू कव्वे का मामा चला गया? हाँ, वो तो चला गया है। इसके बाद रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। रानो, तुम भी उसकी बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाजा ही ना खोलना। तोते भैया, वो बातें ही ऐसे करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ देने के लिए। अभी वो बातें कर रहे थे कि गहरे बादल आ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मजा ले, सिवाय उस कालू कव्वे के, जिसका घोंसला कुछ ही देर में बारिश के पानी से भर जाता है और ऊपर से भूख भी अपने जोरों पर थी। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? पता होता रानो चिड़िया की बात मान ही लेता, लेकिन अब भूखा भी तो नहीं मर सकता, कुछ तो करना होगा। और कव्वा जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कव्वे, मुझे इस समय तंग ना करो, और मुश्किल में तुम अपनी वजह से ही हो, मेरी वजह से नहीं हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रानो चिड़िया, बस आखिरी बार मदद कर दो, अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। मैं भी मेहनत किया करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा बचना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। और रानो चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है। और कव्वा दाना लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। लेकिन कालू कव्वा घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जाकर गुजारता है। सुबह हो चुकी थी लेकिन बारिश थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कव्वे का काम काम कर बुरा हाल था, सारी रात भीगने की वजह से उसे बुखार हो चुका था। कव्वा दोबारा नहीं आया, सब ठीक हो। रानो चिड़िया कालू कव्वे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसने दोबारा जरूर आना था। एक बार जाकर देखाती हूँ कि सब ठीक तो है। रानो चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो कव्वा तेज बुखार में पड़ा होता है। रानो चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है और उसे बुखार की दवा लेकर आती है और जल्दी से कव्वे को खिला देती है। कुछ ही देर में कव्वे का बुखार कम होने लगता है। कव्वे भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज इस मुश्किल में ना होते। रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, अब मेरी यही सजा है कि मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे काहल को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं कव्वे भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकती, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। और रानो चिड़िया कव्वे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे अभी भी कव्वे पर विश्वास नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा था या सिर्फ एक्टिंग कर रहा था।